सकते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्णाय भूतले श्रीमती भक्त वेदांत स्वामी इति नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारण पंचाकल्पतरुभ्यो उपासनदेवेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। देश कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। मैं सर्वप्रथम इस ग्रेस अमहेंद्र प्रभु जी के चरण कमल में दंड प्रणाम करती हूँ और तथा यहाँ पे उपस्थित इस ग्रेस राम रतन प्रभु जी और हर ग्रेस माधव मेनी माता जी तथा इस ग्रेस मुरलीवदन प्रभु जी एंड हर ग्रेस प्रीति कुमारी माता जी और यहाँ पे उपस्थित हर एक भक्त के चरण कमलों में मैं दंड प्रणाम सादर करती हूँ। मेरी कोई उचित योग्यता नहीं है लेकिन अगर मुझसे सेवा करते समय भी त्रुटि होती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। आज हम सब जानते हैं भागवत के समान कोई ग्रंथ नहीं है। भागवत ही स्वयं अपने श्रीमुख से अपना वर्णन करता है। निमगा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युत यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराना नाम इदम तथा। अर्थात नदियों में सर्वश्रेष्ठ चूडामणि गंगा नदी का स्थान है। जिस प्रकार पूजनीय पूज्य देवताओं में अच्युत श्री हरि का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, जिस प्रकार वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ चूडामणि आशुतोष शंभु भगवान जी का शंकर जी का स्थान है, उसी प्रकार वेद व्यास के सभी चारों वेदों की रचनाओं में, चार वेदों में, 18 पुराणों में, 108 उपनिषदों में, इतिहास अरण्यक और सभी संहिताओं को सब कुछ साथ में लाया जाए तो एकमात्र शिरोमणि ग्रंथराज श्रीमद भागवत ही है। इस भागवत का रसपान करने का जो सौभाग्य है ये अनंत जन्म के स्वरूप शुक्रित फलित होने का एक एकमात्र फल है। कभी कभार जीव पशु योनि में भ्रमण करता है, कीड़ों मकोड़ों की योनि में भ्रमण करता है, कभी पक्षी होकर उड़ता है तो कभी जलचर होकर मछली के रूप में यहाँ वहाँ भ्रमण करता है। अनंत जीव अनंत योनियों में भ्रमण करने के बाद भाग्यवान जीव एक मानव शरीर प्राप्त करता है। उस मानव शरीर में अनंत बार भ्रमण करके भगवत संयुक्ता श्रद्धा उत्पन्न करके ऐसे अनंत जन्म श्रद्धा युक्त भाव रखकर एक भक्त का दर्शन होता है। ये भागवत कथा पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है। व्यास जी अनंत रचनाएं लिखने के बाद नारद मुनि के सामने जाकर नतमस्तक हुए और कहे, हे गुरुवर, कौन सी गलती हुई मुझसे? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद में क्या कमी है? नारद पुराण में, ब्रह्म पद्म पुराण में, विष्णु पुराण में, स्कंद पुराण में, अग्नि पुराण में, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्रुत उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कठोर उपनिषद में क्या कमी है? क्या कमी है इतिहासों में, रामायण में, महाभारत में? क्या कमी है संहिता में, मनु संहिता, गर्ग संहिता, ब्रह्म संहिता में क्या कमी है? हे नारद मुनिवर, आज तक मैंने जो भी रचनाएं की है उससे मुझे दुख ही मिला है। इस समस्या का समाधान करते हुए नारद मुनि कहते हैं, ऐसे अधम पापी निष्पृष्ट पतित जीव, व्यास जी वैसे तो पतित नहीं है परंतु दैन्य भाव से चरण सीमा पर बैठे हुए कहते हैं गुरु के सामने। नारद मुनि कहते हैं, ऐसे व्यक्ति अधम पापी जीव का उद्धार करने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। व्यास जी कहते हैं नारद मुनि से, हे गुरुवर, ऐसा कोई मार्गदर्शन कराए जिससे व्यास देव ही नहीं पूरा ब्रह्मांड संतुष्ट हो सके, आनंद की अनुभूति कर सके। नारद मुनि कृपा सिंधु करुणा सिंधु दीन दयाल दीन बंधु होकर व्यास देव जी से कहते हैं, यदि कोई ग्रंथ की रचना करनी हो तो ऐसी ग्रंथ की रचना करो जहाँ भगवान श्री कृष्ण की वज लीलाओं का वर्णन हो सके। पद्म पुराण लिखे, स्कंद पुराण लिखे, पर क्या आपने श्री कृष्ण की वज लीलाओं का वर्णन किया है? क्या आपने माखन चोर, नवनीत, यशोदा नंदन, ब्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर, राधा रसिक, शिरोमणि श्री कृष्ण इनकी लीलाओं का रसास्वादन करते करते क्या आपने इसका वर्णन किया है? क्या आपने वर्णन किया है पंचम स्वर बजाकर वंशीवट के तल में चंद्र पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के काल में यमुना के पावन तट पर श्याम सुंदर जो त्रिभंग ललित है प्रेम से अपने ब्रजवासियों को, विशेष करके अपनी प्रेमिका ब्रज गोपियों को आमंत्रण देते हैं, क्या आपने इसका वर्णन किया है?
आपने वर्णन किया है सत्यम परम धीमहि, पूरे जगत के एकमात्र नाथ जो सत्य के प्रतीक है, कैसे मैया से डर डर कर झूठ बोलते हैं, क्या आपने इसका वर्णन किया है? नारद मुनि बोलते हैं व्यासदेव जी से, हे व्यास, यदि भगवान श्री कृष्ण की व्रज लीलाओं का यदि आपने विस्तार वर्णन नहीं किया तो आपने आज तक क्या ही वर्णन किया? भगवान ये तो सब कुछ जानते हैं, पर जब वो भगवान अपनी भगवत्ता को छोड़कर मानव समाज में अवतार लेते हैं, भक्तवत्सल होकर, भक्तों के अधीन होकर, प्रेम पूर्वक आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक है, जब ये लीला जीव चखने लगे तो जीवन सार्थक है। ब्रज में एक बहुत प्रसिद्ध संत रहते थे, उनका नाम था रस खान जी। रस खान जी वैसे तो वो मुस्लिम परिवार से जन्म लिए थे, परंतु ठाकुर जी इतने टेढ़े थे, टेढ़े टेढ़ों को कैसे पकड़ना है यह हमारे त्रिभंग ललित से अधिक कौन जाने। वो इतने टेढ़े, रूप भी टेढ़ा, बोलते भी टेढ़े, देखते भी टेढ़े, चढ़ते भी टेढ़े, सब कुछ टेढ़ा, लीला इतनी टेढ़ी कि व्यासाधिक, ब्रह्मादिक, शुकादिक चरण स्पर्श करे करके कहे, चार मुख से चार वेद उच्चारण करके भी चार अक्षर वाले नारायण, नारायण के कृष्ण अवतार का वर्णन ना ही हम कर सकते हैं और ना ही हम इसे समझ सकते हैं। रस खान जी जब मुसलमान परिवार में जन्म लिए, अकस्मात कृष्ण के इस टेढ़ेपन से आकृष्ट होकर ब्रज आ गए, और हम सब जानते हैं कि व्यक्ति एक बार वृंदावन में प्रवेश करे, बस वृंदावन में आना यह हमारी समस्या है, पर वृंदावन में आकर हमसे क्या करना है यह ठाकुर जी की समस्या है। रस खान जी ब्रज आकर लिखते हैं, हे ब्रज इतना सुंदर है, इतना भद्रमय, कल्याणकारी, मंगलकारी है यह ब्रज। ब्रज का रस तो चिंतामणि है, ब्रज के वृक्ष तो कल्पवृक्ष है, ब्रज की गलियां सब सुरभि कामधेनु है, और प्रत्येक व्रजवासी करोड़ों विष्णु दूतों से अधिक उत्कृष्ट है। रस खान जी 20 20 कंठी माला धारण करके यहाँ वहां भ्रमण करने लगे। हम सब जानते हैं कि कंठी कैसी बात है, कंठी माला का महत्व क्या है। एक बार तुलसी हमारे गले को पकड़ ले, इस जगत का एक व्यक्ति एक बार हमारा गला पकड़ ले तो घोट देता है, प्राण निकल जाते हैं। उसी प्रकार तुलसी एक बार हमारे कंठ को धर लेती है तो सब भाव प्रपंच का भाव बंधन घुट जाता है। यह तुलसी की महिमा। रस खान जी तो 20 20 कंठी माला धारण करके चलते थे। राजा पूछने लगे रस खान जी से, क्यों रे रस खान, क्या कमी है इस्लाम में, क्यों बिसरा है यार? तो रस खान जी कहते, कुछ कमी नहीं इस्लाम में, क्यों बिसरा है यार, मनवा बाबरा हो गया, सुन मुरली की तान। रस खान जी कहते, त्रिभंग श्याम सुंदर की यमुना तट में स्थित होकर पंचम स्वर सुनकर मंत्र मुक्त हो गया, एक कंठी से अधिक दूसरी कंठी, दूसरी से अधिक तीसरी, तीसरी से अधिक चौथी, चौथी से अधिक ही अधिक, मैं क्या करूं? तब राजा पूछने लगे, जो ब्रजवासी ब्राह्मण है वो एक कंठी धारण करे, तो मुस्लिम होकर 20 20 कंठी धारण करे, ऐसा क्यों? तो रस खान जी कहते हैं, हल्का पत्थर हो तो उसे उठाने के लिए एक रस्सी काफी है, उसे उठ जाए। अगर पत्थर बड़ा हो, बहुत गहरा हो, मोटा हो, तो उसको उठाने के लिए अनंत रस्सी बांधकर उसको पकड़ना पड़ता है। राजन मैं क्या करूं, ब्रजवासी सब ब्रजवासी ब्राह्मण तो हल्के हल्के पुण्यवान पुरुष है, मैं अधम पापी, इतने पाप में डूबा हूं कि मेरे जैसे पत्थर रूपी व्यक्ति को अगर भगवान भी उठाना चाहे तो 20 कंठी की आवश्यकता है। रस खान जी सब छोड़कर जब ब्रज आते हैं तो उनको प्रश्न पूछा जाता है कि रस खान जी, अगर इस मानव शरीर से आपको इच्छा प्राप्त करनी हो तो आपकी अंतिम इच्छा क्या रहेगी? तो रस खान जी कहते हैं, मानुष हो तो हे रस खान, पशु वच गोकुल गाँव के ग्वालन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरुनित नंद धेनु की मजारन, वाहन हो तो वही गिरि को जो करे छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो वह बसेरो करो मिल कालिंद कुल कदम की डालन, कि अगले जन्म में मैं नहीं जानता, मैं पुण्य और पाप के इस तालमेल में इस उठते गिरते लहरों से त्रस्त होकर पता नहीं कौन से योनि को प्राप्त करूं। रस खान जी ये इच्छा रखते हैं और कहते हैं, हे ठाकुर जी, हे वृंदावन के ईश्वर, हे स्वामी जी राधा रानी, आप दोनों युगल सरकार से यही प्रार्थना है। ये रस खान रोते रोते प्राण त्यागता है, मानुष हो तो वह है रस खान, बसो व्रज गोकुल गांव के ग्वालन, अर्थात
अगर जन्म अगले जन्म में कर्म के अनुसार मुझे मानव शरीर प्राप्त हो तो एकमात्र इच्छा है इस ब्रज की गलियों में मुझे एक ग्वाला बना दो। यदि मानव शरीर प्राप्त करना सरल नहीं तो जो पशु हो जाओ तो कहा बस मेरो चरुनी ते नंद धेनु के मजार। नंद बाबा की धेनु की सभा में मुझे एक छोटा सा बछड़ा बना दो, क्योंकि नंद नंदन कृष्ण बछड़ो और गायों को चराते चराते एक बार मुझे स्पर्श कर दे। बस क्या मानव शरीर और क्या पशु शरीर। और यदि मैं रसखान पूछूं कि मुझे पशु होनी चाहिए और ठाकुर जी कहे कि मेरे नसीब में तो ये भी नहीं है, मुझे अगले जन्म में पत्थर बनना है, तो पान हो तो वही गिरी को उसी गिरिराज के तरहटे पे मुझे पत्थर बना दो। कौन सा गिरिराज जो करो छत्र पुरंदर कारण। पुरंदर अर्थात जब इंद्र के व्रजपात करके व्रज को पूर्ण रूप से खत्म करने का प्रयास किया, अखिल ब्रह्मांड के एकमात्र नायक श्री कृष्ण जो अनंत जीव को आश्रय देते हैं, वो स्वयं कृष्ण जी जिन गिरिराज की तरहटे में आश्रित हो गए, उस गिरिराज गोवर्धन महाराज के चरण में मुझे स्थित होते हुए एक पत्थर बना दो, पर व्रज छड़के में कहीं नहीं जाओ। तो रस खान जी कहते हैं अगर मेरा पत्थर बनना भी संभव नहीं है तो मुझे एक पंछी बना दो, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंद फुल कदम की डालन। यमुना कालिंद की तट पर तीक कदम की डाली पे मुझे एक पंछी बना दो। रसकान जी कहते हैं मानव शरीर प्राप्त हो तो मुझे एक ग्वाला बना दो, पशु योनि प्राप्त हो तो मुझे एक बछड़ा बना दो, पत्थर योनि प्राप्त हो तो गिरिराज की तरह तो मुझे छोड़ दो, और यदि पंछी होना हो तो कालिंद की तट पर कदम की डाली पर मुझे एक पंछी बना दो। परंतु हे युगल सुरकार, हे राधा रमन, आपसे एकमात्र निवेदन है ब्रज दज के मैं कहीं नहीं जाऊं, रसिक संदन के दर्शन पाऊं, जैसे प्रीत हटाई राधा नाम परम सुखदाई। राधा राधा रटत रहे, राधा राधा रटत रहे, सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म दे आपदा, शो श्री राधा नाम ते जाए। एक राधा नाम लेने से अनंत जन्म के प्राप्त भस्म हो जाते, उस व्रज का क्या कहना जहाँ प्रत्येक गलियों में गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं कहा जाता। अगर किसी के घर में मृत्यु भी हो जाए तो फोन उठाकर कहते हैं राधे राधे आपके घर में मृत्यु हो जाए। ब्रजवासी कहते हैं बंदर भी राधे राधे करते हैं, मोर भी राधे राधे करते हैं। वृक्ष की प्रत्येक डाली की प्रत्येक शाखा को प्रत्येक शाखा में से प्रत्येक पत्ते से यदि कान ब्रजवासी का हो तो स्वर राधा ही निकलता है। और ये वज्रमंडल तो अनंत व्यास अनंत नारद अनंत शुक अनंत ब्रह्म के आकृष्ट किया है। जीवन तत्व को तो छोड़ दीजिए, भगवान जो अखिल ब्रह्मांड के एकमात्र नायक है, गुजरात में वो अवश्य द्वारकाधीश है, परंतु ब्रज में राधा रानी के चलन तर पर स्थित होकर एक सेवक है। ब्रज वो स्थान है वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो ग्राम, बंसी वट सो वट नहीं, श्री राधा नामी नाम सो नाम। हरे कृष्ण, अगर बोलते समय मुझसे कुछ त्रुटि होती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा।